ओशो के बारे में, ओशो रजनीश जो हैं उनके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो सबसे अच्छा है उसकी किताब पढ़ो, ओशो की किताबें पढ़ो, आपको पता चल जाएगा वो कैसे इंसान थे। ठीक है, साधारणतः अगर आप ओशो को पढ़ते हैं तो ओशो गौतम बुद्ध की ऊंचाई को छूते हैं। जैसे गौतम बुद्ध ने लोगों को ज्ञान दिया, वैसे ही ओशो ने लोगों को ज्ञान दिया। वो एक प्रोफेसर थे, किसी कॉलेज में प्रोफेसर थे, जैसा कि आप उनकी कहानी जानते हो, बहुत सारी किताबें उन्होंने पढ़ी थी। और बहुत सारी किताबें जब कोई भी इंसान पढ़ता है तो वो किताबें उसके सर के ऊपर चढ़ जाती, वैसा ही ओशो के साथ हुआ था। ओशो खुद को फिलोसॉफर कहते थे, है ना, हालांकि वो खुद को फिलोसॉफर कहते थे लेकिन ज़्यादातर बातें उन्होंने धार्मिक बातें की, क्योंकि जिस जिन लोगों के बीच में वो रह रहे थे ज़्यादातर धार्मिक लोग ही थे जिनको उन्होंने अपने प्रवचन दिए। तो हालांकि बातें बहुत अच्छी हैं, जो जो उन्होंने बताया है बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हैं लोगों को, लेकिन वो सारी धार्मिक हैं। ठीक है, उसमें से कुछ चीज़ें तुम्हें सच मिल जाती हैं, कुछ कहानियां हैं, ज़्यादातर वो कहानियां ही सुनाते रहे लोगों को, चुटकुले सुनाते रहे और लोगों का मनोरंजन करते रहे। और ओशो ने एक धर्म चलाया था, हंसने वाला धर्म। ओशो से पहले ज़्यादातर लोग सीरियस थे, कोई हंसने हंसाने की ज़्यादा बातें नहीं होती थी। तो ओशो वो पहले फिलोसोफर हैं इंडिया के जिन्होंने हंसने वाला धर्म चलाया था, जिन्होंने लोगों को हंसना सिखाया था। उससे पहले फिल्में ये काम कर रही थी, लोग फिल्मों को देखकर हंसते थे, चुटकुले किताबों में पढ़ते थे। वैसे उनको कोई ऐसा फिलोसोफर नहीं मिला था जो उनको हंसा सकता, वो काम सिर्फ ओशो ने किया है। ठीक है, और ओशो ने ज़्यादातर धार्मिक प्रवचन दिए हैं, धार्मिक किताबों के ऊपर बोला है, लेकिन बात वो करते थे ध्यान की, हालांकि ध्यान का कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होता धार्मिक चीज़ों से। लेकिन इंडिया जैसे देश में जब कोई ओशो पैदा होता है तो उसे धार्मिक बनना पड़ता है, चाहे दिखावे के लिए ही सही, धार्मिक बनना पड़ता है। चाहे कोई कितना ही नास्तिक हो जाए, कितना ही आस्तिक नास्तिक, चलो एक अलग सब्जेक्ट है, आपने ओशो के बारे में पूछा है तो ओशो के बारे में तो आप ओशो की किताबें पढ़ो, उसी से आपको ज़्यादा बेटर पता चल जाएगा। इसमें मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं ओशो के बारे में कुछ बताऊं, मैं क्या बताऊंगा तुम्हें ओशो के बारे में। तुम किसी इंसान के बारे में जानना चाहते हो, उसकी किताब पढ़ लो, बस तुम्हें समझ में आ जाता है। तुम ओशो छोड़ो, अगर तुम ओशो के जैसे बनना चाहते हो तो जो जो किताबें उन्होंने पढ़ी हैं खोज लो, ऐसी किताबें भी बनी हैं, ऐसे लेक्चर बने हैं ओशो के जिनमें वो बता रहे हैं कि उनकी फेवरेट बुक्स कौन सी हैं, कौन कौन सी किताबें उन्होंने पढ़ी हैं, कौन कौन सी किताबें उनको अच्छी लगती हैं। वो किताबें पढ़ लो तो तुम भी ओशो बन जाओगे। है वही चीज़ें, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कुंडलिनी के बारे में कितना कुछ चल रहा है आजकल, तुम सोशल मीडिया पर देख लो कितना लोग पागलपन कर रहे हैं। वही पागलपन ओशो के ऊपर सवार हुआ था धीरे धीरे, जैसे जैसे वो आगे बढ़े, लोगों ने प्रवचन किए, जैसे जैसे उनको समझ में आया कि वो कहाँ रह रहे हैं, कैसे लोगों के बीच में रह रहे हैं, तो धीरे धीरे वो बुद्ध की ओर आ जाते हैं। हालांकि धर्म धर्म के रूप में वो एक जैनी थे, लेकिन धीरे धीरे वो बुद्ध हो गए थे और उन्हीं के प्रवचन फिर वो सुनाने लगे थे। हालांकि वो अब्रॉड भी गए, अमेरिका भी गए, वहाँ पर भी उन्होंने कोशिश की थोड़ा अपना ज्ञान प्रसार करने की, लेकिन वहाँ से वो लौट आए और अच्छी खासी सज़ा भी मिली वहाँ पर उनको, वो भी उनको उनका प्रवचन है, आप सुन सकते हैं। तो ओशो के बारे में और क्या बताऊँ मैं आपको, ओशो ने अपने इर्द गिर्द भेड़ बकरियां इकट्ठी की, उनको उनको ज्ञान दिया, उनको शेर बनाने की कोशिश की, कुछ बने कुछ नहीं बने यही ओशो का खेल था और क्या था। वो लोगों को अकल देना चाहते थे, कुछ को आई कुछ को नहीं आई। वैसे सीरियसली अगर तुम ओशो को पढ़ते हो तो बहुत अच्छे फिलोसोफर हैं, बहुत अच्छा ज्ञान लोगों को दिया है उन्होंने, और बहुत सारी चीज़ें जो बताई हैं ज़्यादातर चीज़ें सही बताई हैं, और वो चीज़ें समझने वाला अगर दिमाग है आपके पास तो आप समझ जाएंगे, नहीं तो फिर जैसे मर्जी बनकर घूमो। लेकिन ज़्यादातर बातें ओशो की जब तुम पढ़ते हो तो वो
पागलों के टीचर थे, जिन लोगों के ऊपर धार्मिक पागलपन सवार हो जाता था उनका वो इलाज करते थे और बातों से इलाज कर देते थे, किसी दवाई की ज़रूरत नहीं होती थी। तो ऐसी उनकी पर्सनैलिटी थी। अगर तुम फिर भी ओशो को कभी भी ध्यान से सुनते हो तो एक तरफ तुम ओशो को सुन लो, दूसरी तरफ तुम गौतम बुद्ध को पढ़ लो, वो दोनों एक ही हैं अगर ध्यान से पढ़ते हो, ठीक है। अगर तुम अपनी अकड़, अपनी ज़िद को बीच में रख कर पढ़ोगे तो फिर तुम्हें शायद ओशो के ऊपर गुस्सा आए या फिर बुरा लगेगा। आपने एक कहानी सुनी होगी ओशो के बारे में कि जो एक्टर थे विनोद खन्ना, है ना, वो उनके दरबार में गए थे, वहाँ पर उन्होंने ज्ञान हासिल करने की कोशिश की थी और कुछ ही महीनों में उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी, है ना। ये कहानी आपने सुनी होगी। वो कहानी, ऐसी कहानियाँ घड़ी जाती हैं ताकि जब कोई धर्मगुरु बहुत मशहूर हो जाता है तो थोड़ी बेइज्जती की जाती है उसकी। ये रिवाज है, ये इंडिया में रिवाज है, यहीं पर शांति का रिवाज है। अगर कोई बहुत मशहूर हो जाता है तो उसकी थोड़ी सी बेइज्जती करके उसे एक तरफ कर दिया जाता है कि चुप हो जाओ बेटा, जितना तुमने बोल लिया था बोल लिए, अब आराम से चलो। तो ये सिर्फ, ये चीज़ तुम्हें सिर्फ इंडिया में मिलेगी और तुम्हें कहीं भी ये चीज़ नहीं मिलेगी, ठीक है। भारत ही एक ऐसा देश है जो शांतिवादी है ज़्यादातर, नहीं तो और किसी देश में तुम्हें उतनी शांति शायद ही मिले जो जितनी शांतिवाद लोग तुम्हें भारत में मिलेंगे, इंडिया में मिलेंगे, और कहीं इतनी शांति नहीं है। यहाँ हमारे देश में जो चीज़ें तुम्हें इतनी अच्छी तरह, जो ज्ञान इतनी अच्छी तरह प्रोवाइड होता है, बहुत सलीके से लिखा गया है, समझाया गया है, वो कहीं और तुम्हें नहीं मिलेगा अगर तुम ध्यान से पढ़ते हो तो। लेकिन अगर तुम वो कोई अकड़ वाली फीलिंग लेकर पढ़ोगे, है ना, खुद को बड़े सम्राट या फिर 30 मार खान समझकर पढ़ोगे तो फिर वो तुम्हें नहीं समझ में आने वाला। ओशो को पढ़ना है तो शांत मन से पढ़ो और उनकी किताबें पढ़ो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ओशो किस स्टेज पर खड़े होकर बोलते थे, उनका माइंड लेवल क्या था। और फिर तुम गौतम बुद्ध को पढ़ लो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा। देखो, ओशो ने तो लगभग हर रिलीजन के ऊपर, हर धर्म के ऊपर बोला है, ज़्यादातर मनोवैज्ञानिकों को जिनों को उन्होंने पढ़ा उनके बारे में बोला है। और जिस जिस धर्म में, जिस जिस किताब में, जिस जिस चीज़ में जो जो कमियां थीं वो भी ओशो ने बताई हैं और जो जो खासियतें थीं वो भी उन्होंने बताई। लेकिन ज़्यादातर ओशो के गिर्द जो भीड़ इकट्ठी हुई वो बहुत ज़्यादा समझदार लोगों की नहीं थी, वो जो दरमियाने लोग होते हैं, जो मध्य लेवल के लोग होते हैं, उनकी भीड़ ओशो के इर्द गिर्द इकट्ठी होती चली गई और वो उनको समझाते चले गए। यही ओशो की कहानी है, और क्या है। वैसे उनके ऊपर एक नेटफ्लिक्स के ऊपर वेब सीरीज़ है, वो तुम देख सकते हो, उससे तुम्हें पता चल जाएगा। और उनकी किताबें हैं, उसके बारे में पता चल जाएगा। कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो ओशो ने छोड़ा हो, हर सब्जेक्ट के बारे में अच्छी तरह उन्होंने रिसर्च की, लोगों को बताया, पढ़ाया। और क्या बताऊँ मैं तुम्हें ओशो के बारे में, है ना। मुझसे तुम पूछ सकते हो, कोई वो सवाल पूछो जो काम का हो। ये सवाल काम के थोड़ी होते हैं, सर ओशो के ऊपर कोई वीडियो बनाए। ओशो के बारे में बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी इंटरनेट के ऊपर आ चुकी हैं, वहाँ से तुम देख सकते हो, सुन सकते हो, उनके लेक्चर वहाँ पर पड़े हुए हैं, व्याख्यान पड़े हुए हैं, वो तुम सुन सकते हो। और मैं तुम्हें क्या बताऊँगा ओशो के बारे में, है ना। वैसे भी बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिन्होंने ओशो के बारे में बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, उनको सुन लो। कुछ ओशो में गलतियां निकालते हैं, कुछ उनके ज्ञान को सही बताते हैं, तुम्हें दोनों तरह की वीडियोस मिल जाएंगी, है ना। ये एक है सर, किंग्स एटीट्यूड के ऊपर एक वीडियो बनाएं, वो वीडियो थोड़ी अच्छी सी वीडियो बनेंगी। ऐसे ये जो किंग्स एटीट्यूड वाली टाइप की वीडियोज़ होती हैं, ये ऐसे नहीं बनाई जाती, ठीक है। वो एक अच्छे से स्क्रिप्ट लिख कर फिर वो वीडियो बनाकर मैं डालूंगा यहाँ पर, तो तुम तब सुन लेना। और जो किंग्स एटीट्यूड में, तो कई सारे किंग्स को भी इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर उनके बारे में बोलना पड़ेगा। चलो इकट्ठा कर लेंगे, उनके बारे में बता देंगे आपको, जो जो गलतियाँ एक आम इंसान करता है वही ये किंग्स एटीट्यूड वाले करते हैं, और क्या होता है। चलो उसके बारे में भी मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा जैसे ही टाइम लगता है। फिलहाल आजकल मैं पढ़ रहा हूँ, तो जैसे जैसे मैटर इकट्ठा होता जाएगा वैसे वैसे हम लेक्चर बनाते चले जाएंगे। तो रही बात ओशो की, तो ओशो को जानना चाहते हो तो भाई उनकी किताब पढ़ो,
ओशो को ओशो से बेहतर तुम्हें कौन बताएगा कि वो कैसे इंसान थे। इंसान मनुष्य कोई भी हो, वो तुम्हें खुद से बेहतर नहीं बता सकता किसी के बारे में। अगर मैं कुछ बताऊंगा तुम्हें ओशो के बारे में, तो कुछ तो होगा जो रह जाएगा, जो छूट जाएगा, है ना। किसी और से सुनोगे तो भी रह जाएगा, इससे अच्छा है खुद ही पढ़ लो। पढ़ नहीं सकते तो सुन लो। और तुमने कई ऐसी वीडियोस देखी होंगी यहाँ पर ओशो के भाई उनके बारे में बताते हैं। वो ठीक है, कुछ बातें सही हो सकती हैं, लेकिन किसी भी मनोवैज्ञानिक को, किसी भी दार्शनिक को, किसी भी फिलोसोफर को अगर तुम समझना चाहते हो तो पहले उसको पढ़ो। अगर तुम उसे पढ़ नहीं सकते तो दूसरा जो बताएगा वो अपने हिसाब से बताएगा। मैंने जितना उसे पढ़ा है ओशो को, वो मैं अपने हिसाब से बता सकता हूँ। तुम जब पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि उनके अंदर कौन कौन सी कमियाँ थीं, कौन कौन सी खासियतें थीं, कौन सा ज्ञान लोगों को उन्होंने दिया है, कितने लोग पागल किए हैं, कितने ठीक किए हैं। तो कुल मिलाकर यही है, फिर ही तुम्हें समझ में आएगा। ऐसे सवाल किसी दूसरे से नहीं पूछे जाते। सर ओशो के ऊपर कोई वीडियो बनाए, उनकी ध्यान की फिलोसॉफी, ध्यान की फिलोसॉफी तो तुम्हें हर कहीं मिल जाएगी। तुम कोई भी दुनिया की, कोई भी धर्म की किताब उठाकर पढ़ लो, कोई भी ध्यान की किताब उठाकर पढ़ लो, हैं सारी वो इंसान के दिमाग की पैदाइश ही हैं, इंसान के पागलपन की पैदाइश ही हैं। वो निकली हैं इंसान के दिमाग के पागलपन से। जैसे कुछ महीने पहले मैंने एक लेक्चर में डाला था कि जब वक्त की खोज हुई तब इंसान ने खुद को ठीक ठाक करना शुरू किया। उससे पहले तो वो बावला होकर घूम रहा था, है ना। वक्त बहुत मायने रखता है। ऐसी जो चीज़ें होती हैं, ऐसे जो फिलोसोफर होते हैं, ऐसे जो व्याख्यान बोलने वाले होते हैं, कहानीकार होते हैं, फिलोसोफर होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं, उनका काम पता है क्या होता है? वो आपके दिमाग के बिखरे हुए ध्यान को इकट्ठा करते हैं, एक जगह के ऊपर लेकर आते हैं। जैसे जैसे तुम किसी चीज़ की, तुम्हारे ऊपर टेंशन पड़ती रहती है, तुम जिंदगी में भाग दौड़ करते हो, पढ़ते हो, वैसे वैसे तुम्हारा ध्यान उन चीज़ों से चोरी होना शुरू हो जाता है, ध्यान भटकना शुरू हो जाता है। तुम फ्री रहना शुरू कर देते हो। तुम्हारा दिल करता है कि तुम फ्री रहो, कोई काम करने को दिल नहीं करता है। तब ऐसी चीज़ें काम आती हैं। तुम देखो, जो अच्छी से अच्छी किताब होगी, मैं तुम्हें एक किताबों के बारे में एक चीज़ बता रहा हूँ, जो अच्छी से अच्छी किताब होगी वो जब तुम पढ़ोगे तो उस किताब को पढ़ते पढ़ते तुम्हें नींद आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, जिस किताब को पढ़ते हुए तुम्हें नींद आती है, समझो तुम्हारा दिमाग चलना शुरू हो गया। अगर किसी किताब को पढ़ते हुए तुम्हें नींद नहीं आती, मज़ा आ रहा है, तो समझो तुम वहीं पर अटके रह जाओगे। ठीक है, ज़्यादातर किताबों का और पढ़ने वालों का यही हाल होता है। ज़्यादातर लोग पता है क्या करते हैं, वो जिस किताब को उनको पढ़ने की एक बार आदत लग जाती है, वो उसी किताब को बार बार पढ़ते चले जाते हैं। उनको लगता है कि उनको एक इसी से आखिरी सच मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता। तुम एक किताब पढ़ो अच्छे से, किसी भी फिलोसोफर की किताब उठा लो, किसी भी धार्मिक गुरु की किताब उठा लो, किसी भी मेडिकल साइंस की किताब उठा लो, किसी भी सब्जेक्ट की किताब उठा लो, उस किताब को पढ़ने की कोशिश करो। अगर वो किताब तुमने पहले कभी नहीं पढ़ी है, तुम देखोगे उसको पढ़ते ही तुम्हें नींद आनी शुरू हो जाएगी। ये इशारा है, ये निशानी है कि तुम उस सब्जेक्ट के बारे में अभी कुछ भी नहीं जानते हो। और जिस सब्जेक्ट के बारे में तुम कुछ नहीं जानते हो, दिमाग उसको समझने की कोशिश कर रहा होता है। जैसे कि तुम्हारा सवाल ही है कि ओशो के ऊपर, जब तुम ओशो को पढ़ोगे और पढ़ते पढ़ते तुम्हें नींद आनी शुरू हो जाती है, तो समझो तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। जैसे जैसे तुम किसी किताब को पढ़ते हो, किसी फिलोसोफर को सुनते हो, किसी साइकोलॉजिस्ट को सुनते हो, किसी साइकेट्रिक को सुनते हो, उसकी बातें सुनते सुनते तुम्हें नींद आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसकी बातें तुम्हारे दिमाग से मैच नहीं कर रही होती शुरू शुरू में। लेकिन जैसे जैसे उसकी बातें तुम्हारे दिमाग के विचारों से मैच करनी शुरू हो जाती हैं, वैसे वैसे तुम दोनों एक हो जाते हो। फिर तुम्हारी थिंकिंग भी उसके जैसी हो जाती है। जैसे कि मैंने पिछले एक लेक्चर में बोला था कि बॉडी लैंग्वेज के ऊपर तुम्हें ख्याल रखना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज क्या होती है? जैसे मान लो तुम किसी इंसान के बारे में जानना चाहते हो कि वो कैसे सोचता होगा और उसके दिमाग में कैसे विचार चलते होंगे, थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना चाहते हो। ऐसे नहीं कि हूबहू तुम्हें पता चल जाएगा, थोड़ा सा तुम अंदाज़ा लगाना चाहते हो कि वो इंसान कैसे सोचता होगा,
उसके दिमाग में कैसे विचार पैदा होते होंगे। तो एक ट्रिक मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे कोई बैठा है उसके सामने ठीक वैसी पोजीशन में बैठ जाओ। बॉडी लैंग्वेज एक बहुत बड़ी अहमियत रखती है, तुम किसी भी इंसान को समझना चाहते हो। जैसे वो खड़ा है वैसे खड़े हो जाओ, जैसे वो बैठा है वैसे बैठे हो जाओ, जैसे जिस पोजीशन में वो बैठा है उसी पोजीशन में तुम हो जाओ। तुम देखोगे जैसे विचार उसके दिमाग में चल रहे हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे तुम उससे बात करोगे तुम्हारे दिमाग में वैसे ही विचार आने शुरू हो जाएंगे। यही इंसानी दिमाग की खूबसूरती है, ये अपने पैटर्न्स किसी दूसरे को देखकर बड़ी जल्दी बदल लेता है ना। वैसे ही ओशो की बात है, ओशो को समझना चाहते हो वैसे विचार तुम्हें चाहिए तो उसकी किताब पढ़नी शुरू कर दो, जो कहानियाँ उन्होंने सुनाई वो कहानियाँ पढ़नी शुरू कर दो। तुम देखोगे 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 12 दिन 20 दिन 30 दिन 1 महीना 2 महीने 3 महीने, जैसे जैसे तुम पढ़ते जाओगे 4 महीने तुम जैसे जैसे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारा माइंड लेवल उसी स्तर का होना शुरू हो जाता है। तुम वैसे ही फिर बातें करते हो, वैसे ही बोलते हो, वैसे ही कहानी बनाना शुरू कर देते हो, खुद को वैसे ही समझना शुरू कर दोगे। वो कहते हैं ना जो बहमियों वाली भाषा होती है, ओशो की आत्मा तुम्हारे अंदर आ जाएगी ठीक है। वैसे चलो ऐसा कभी होता नहीं है, आत्मा वगैरह किसी में नहीं आती है, वो कहने की बात है, मजाक है ओके, उसको इसको सीरियसली मत लेना। तो ओशो को अगर तुम समझना चाहते हो, ओशो की किताबें पढ़ो, वो कुछ दिन पढ़ो, तो थोड़े दिनों में तुम देखोगे तुम्हारी हालत थोड़ी सी डगमगा जाएगी, और वो जैसे विचार ओशो के दिमाग में आते थे, जैसी खलबली उनके दिमाग में आती थी, वो किसी का भी मजाक बना देते थे, वैसे ही तुम्हारे दिमाग में भी आनी शुरू हो जाएगी, तुम्हारे अंदर का बंदर जाग जाएगा ठीक है। हालांकि कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर शेर जाग जाता है, लेकिन तुम्हारे अंदर का बंदर जाग जाएगा तो थोड़ी अकल तुम्हें आ जाएगी ओके। तो तुम समझ जाओगे कि ओशो कैसे लोगों को ठीक करते थे, कैसे पागल बनाते थे। हालांकि बातें ही होती हैं और कुछ नहीं होता, धीरे धीरे ये पागलपन उतर जाता है जैसे जैसे तुम कोई काम धंधा करना शुरू कर देते हो, और क्या होता है, पागलपन ही होता है। तो ओशो के ऊपर कोई वीडियो बनाएं ध्यान की फिलोसॉफी के ऊपर प्लीज़ सर, वो ध्यान को लेकर एक अलग ही अप्रोच रखते हैं। यहाँ हर कोई ध्यान को लेकर अलग अप्रोच रखता है, इसलिए तो तुम हर दिन देखते हो एक नया बाबा खड़ा हो जाता है यूट्यूब के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, है ना। तो जैसी अप्रोच वो रखते हैं, ऐसे कई लोग वैसी अप्रोच रखते हैं, खुद को बड़े ज्ञानी समझते हैं, तो उन ज्ञानियों को सुनो, तुम धीरे धीरे तुमको उनके उन ज्ञानियों के अंदर का पागलपन नजर आना शुरू हो जाएगा है ठीक है। अब देखो सीरियसली क्या होता है कि अगर तुम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस होकर पढ़ते हो ठीक है, हालांकि मैं कभी कभी मेरी मजाक करने की वैसी आदत ज़्यादा नहीं है, मैं बहुत कम मजाक करता हूँ। अगर तुम बहुत सीरियस होकर किसी चीज़ को पढ़ते हो तो वो अगर उसमें कोई जोक भी है, कोई हंसने वाली बात भी है, तो उसमें भी कोई समझदारी भरी चीज़ छुपी होती है ना। अगर तुम्हारे अंदर समझने का वो कोई एक एलिमेंट है तुम्हारे अंदर अंडरस्टैंडिंग का, लेकिन अगर तुम एक मजाकिया इंसान हो और हर चीज़ को मजाक समझते हो तो तुम्हें उसके अंदर मजाक ही नज़र आएगा। ये इंसानी दिमाग का सच है। जैसे बच्चे देखो होते हैं ना, वो हर चीज़ को मजाक समझते हैं, उनके लिए हर चीज़ मजाक होती है, तो वो जल्दी मैच्योर नहीं हो पाते। जब तक तुम्हारे अंदर बचपना रहता है, कोई जिम्मेदारी नहीं आती, तब तक तुम बच्चे बने घूमते रहते हो। लेकिन ज्ञान एक ऐसी चीज़ होती है जिसका कभी तुम्हें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। चाहे कोई कॉमेडियन तुम्हें हंसना सिखा रहा है ना, तो यहाँ तक देखो तुम्हें पता चल गया। चाहे तुम देखो कोई भी चीज़ हो, कोई भी किसी को भी तुम पढ़ते हो, देखते हो, ध्यान से पढ़ो, तो चाहे तुम एक कॉमेडियन को पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, तो भी उसकी बातें ध्यान से सुनो, उसमें से भी तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं ठीक है। चाहे हंसने वाली चीज़ें हों, चाहे उदास करने वाली बातें हों, हर चीज़ तुम्हें कुछ ना कुछ सिखा रही होती। फिलोसॉफी तो हर कहीं छुपी हुई है, तुम्हारे अंदर उसे समझने का दिमाग होना चाहिए तो तुम लगभग समझ लेते हो ओके। तो यह जो तुमने पूछा है ओशो के बारे में, तो आप
ज़्यादा बेटर है आप उनकी किताबें पढ़ें और उनसे जो सीख सकती हैं सीखें। और अगर तुम्हें किताबें पढ़ने का शौक है तो अच्छी अच्छी किताबें जो तुम्हें, पहले तो वो किताबें पढ़ो जो तुम्हें पसंद है, ठीक है। तुम किस तरह के इंसान हो, अगर तुम्हें नॉवल वगैरह पढ़ने अच्छे लगते हैं तो वो पढ़ो, कविताएं पढ़नी अच्छी लगती हैं तो वो तुम पढ़ सकते हो, फिलोसॉफी पढ़नी अच्छी लगती है तो उसे पढ़ो। लेकिन जब तुम किताबें पढ़ते हो तो ज़्यादा चुप रहने की आदत तुम्हारे अंदर नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किताबें पढ़ते रहते हैं और अचानक से फिर वो चुप होना शुरू हो जाते हैं, वो हंसना खेलना भूल जाते हैं, बातें करना भूल जाते हैं, अपने दोस्तों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं, बहुत अकेले रहना शुरू कर देते हैं। देखो, अगर तो तुम किसी टारगेट के पीछे पड़े हुए हो, तुम्हें कुछ बनना है बड़े होकर, या तुम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, फिर तो ठीक है, चलो चुप रहना कुछ देता भी होगा तुम्हें, है ना, तुम्हारे दिमाग को आराम देता होगा। लेकिन बोलना बहुत ज़रूरी है। किताबें पढ़ने के बाद मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो शांत और मौन रहना शुरू कर देते हैं, जैसे उनको कोई बहुत बड़ा ज्ञान मिल गया। नहीं, किताबें अगर तुम पढ़ते हो तो चुप मत रहो, जो तुम पढ़ते हो और पढ़कर जो सीखते हो उसे आगे बताओ, ठीक है। चाहे अपने दोस्तों को बता दो, चाहे जैसे मैंने ये चैनल बनाया हुआ है, इस तरह का कोई चैनल बना दो, वहाँ पर शेयर कर दो। ज़्यादातर बातें दिमाग में रखने के लिए नहीं बनी होती, चाहे कोई भी बात हो, तुम्हारे दिमाग का जो गुबार है, अगर सोशल मीडिया देखो, आजकल सोशल मीडिया लोगों की कितनी हेल्प कर रहा है, उनके अंदर दिमाग में जो चीज़ भरी हुई है, जो गुबार भरा हुआ है, उसे निकालने के लिए, है ना। भावना तुम्हारी बुरी नहीं होनी चाहिए, गुस्से वाली भावना नहीं होनी चाहिए, प्यार से बात करो लोगों से, प्रेम से बात करो, जो बताना है शांत होकर बताओ, अच्छे से बताओ। और चाहे तुम इतिहास के स्टूडेंट हो, चाहे किसी अच्छे सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, या टीचर हो, किसी भी सब्जेक्ट के तुम टीचर हो, जो भी तुम पढ़ते हो सीखते हो वो आगे बताओ। आगे बताना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमेशा पता ही नहीं होता कि कौन सा इंसान किससे क्या सीख ले, ठीक है, किससे कौन सी चीज़ उसे समझ में आ जाए। कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, हर कोई तुम्हें, हर किसी के अंदर एक स्टूडेंट बैठा है जो कुछ भी सीख सकता है, जो कुछ भी सीखने के लिए बना हुआ है, और हर किसी के अंदर एक टीचर बैठा हुआ है जो तुम्हें कुछ भी सिखाने के लिए हमेशा तैयार होता है। खुद अच्छे से प्रिपेयर करो, खुद को सीखो, देखो, पढ़ो, तो तुम्हें ज़्यादातर यही समझ में आएगा कि बुराई किसी दूसरे में नहीं होती, बुराई तुम्हारे ही अंदर होती है जो उछल उछल कर बोलती रहती। मैंने अपने बारे में ज़्यादातर कभी नहीं बताया है किसी को, लेकिन मेरी हमेशा आदत है, कई बार मुझसे सवाल पूछा जाता है कि सर इसके बारे में बोलिए, उसके बारे में बोलिए, या फिर आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो मेरा जवाब हमेशा एक ही होता है कि मैं जिसको भी पढ़ता हूँ, है ना, मैं किसी भी राइटर को पढ़ूँ, चाहे किसी भी कवि को पढ़ूँ, किसी भी नॉवलिस्ट को पढ़ूँ, या फिर किसी भी धार्मिक गुरु को पढ़ूँ, तो मेरी कभी ऐसी आदत नहीं रही है कि मैंने किसी के बारे में बुरा कहा हो या सोचा हो। मजाक में बहुत सारी बातें हो जाती हैं, लेकिन मैं सीरियसली कभी भी जिसको भी पढ़ता हूँ, मैंने आज तक किसी को, किसी के अंदर कोई बुराई नहीं देखी है, और मुझे नज़र भी नहीं आती, मुझे, मेरा वो दिमाग है ही नहीं, मुझे किसी में बुराई नज़र नहीं आती है ज़्यादा। तो मैं जिसको पढ़ता हूँ उससे हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की मेरी कोशिश होती, और जब मैं कुछ समझ लेता हूँ तो मैं आगे बता देता हूँ। बस ऐसी है मेरी ज़िंदगी, मैं ऐसे ही जीता हूँ और ऐसे ही जीता रहूँगा, तो जो सीखता हूँ मैं तुम्हें बताता हूँ आगे। अब तुमने देखो ये सवाल पूछा है कि किंग्स एटीट्यूड के ऊपर कोई वीडियो बनाए, पहले तो तुम सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी वीडियोस देखो जो लोग बनाते हैं कि एक पावरफुल पर्सनैलिटी क्या होती, ठीक है। तो अगर तुम्हें किसी से भी समझ में नहीं आता, तुम्हें नहीं पता चलता कि किंग्स एटीट्यूड होना क्या होता है या उसकी अहमियत क्या होती है, तो फिर मैं तुम्हें बता दूंगा। तुम दोबारा मुझे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, राजकुमार प्रोडक्शन, तो राजकुमार जी पहले पढ़ो, कुछ वीडियोस देखो, अगर समझ में आ जाता तो ठीक है, नहीं आता तो दोबारा फिर मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको समझा दूँगा, अच्छे से बता दूँ। वैसे किंग्स एटीट्यूड और रियल एटीट्यूड में थोड़ा फ़र्क होता है, और आगे हम जब बात करेंगे तो मैं बता दूंगा। खैर, ओशो के बारे में आपको पता चल गया होगा, ओशो को समझना चाहते हो तो ओशो को पढ़ो, किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है, और किसी और से सुनोगे तो तुम्हें ज़्यादातर नेगेटिव रिव्यू सुनने को मिलता है ना, या फिर कुछ लोग कंक्लूजन निकालना शुरू कर देते हैं कि ओशो तो शब्दों के खिलाड़ी थे,
वो तो ऐसे बोलते थे, वो तो वैसे बोलते थे। देखो किसी दूसरे इंसान के बारे में जो भी कोई तुम्हें बताएगा वो अपने स्तर के ऊपर बताएगा, वो उससे आगे पीछे नहीं बता सकता है। तो ज़्यादा अच्छा है कि तुम जिसको समझना चाहते हो उसको पढ़ो पहले, फिर तुम्हें धीरे धीरे खुद ही समझ में आना शुरू हो जाता है, और जब समझ में आ जाता है तो फिर किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना। यही है, और क्या होता है।